गोदी मीडिया की आलोचना करने पर भक्त जिस इरफान पठान को जिहादी और पाकिस्तानी बता रहे थे, अब उसी इरफान पठान और उनके भाई यूसुफ पठान ने ऐसा कदम उठाया है जिस पर लोग जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। अब ये दोनों भाई दक्षिणी दिल्ली में घर से आइसोलेट रहने वाले कोरोना मरीजों को खाना मुहैया कराएंगे। इरफान पठान ने ट्विटर पर ऐलान किया कि कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर में क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान लोगों की मदद करेगी। इरफान पठान ने ट्विटर पर एक ट्वीट करते हुए लिखा कि जब देश कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से जूझ रहा है, ऐसे में हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम आगे आकर जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। इससे प्रेरणा लेते हुए क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान अब दक्षिण दिल्ली में कोरोना प्रभावित लोगों को मुफ्त भोजन देगा। भारत के बेहतरीन ऑलराउंडर में शामिल इरफान अभी हाल ही में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज खेल रहे थे, जिसके बाद वो कोरोना से संक्रमित हो गए थे। इसके अलावा उस सीरीज में शामिल उनके बड़े भाई यूसुफ पठान, सचिन तेंदुलकर सहित कई खिलाड़ी संक्रमित हो गए थे। ऐसे में कोरोना संक्रमितों के इरफान पठान और यूसुफ पठान द्वारा उठाए गए इस कदम पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें।